कराची में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मुआवजे के मुल्क की सियाहत को फ़रोग देने के लिए ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात। ये लोग मुल्क में सियाहत को किस तरह फ़रोग दे रहे हैं, जानने के लिए देखते हैं हफ्सा शकील की ये रिपोर्ट। कभी किसी पहाड़ी पर तो कभी किसी और जगह ये नौजवान अपने मुल्क में सियाहती मुकामात को फरोग देने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। गूगल कम्युनिटी गाइडर काशिफ का कहना था कि वो ये काम गूगल के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए करते हैं। पाकिस्तान की जितनी भी सियाहती मुकामात हैं, हम उनकी तस्वीरें और उनकी डिटेल को गूगल मैप पे अपडेट करते हैं और लोकल गाइड्स पे कनेक्ट पे अपडेट करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान के बारे में जानने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। इस ग्रुप की एक मेंबर शाहीन गुल ने कहा कि वो ये काम अपनी मर्जी से करती हैं और इसमें बहुत खुशी भी महसूस करती हैं। मज़ा बहुत आता है क्योंकि असल में घूमने फिरने तो हर कोई जाता है ना, तो अब घूमने फिरने के साथ साथ जब आप एक कुछ ऐसा काम भी कर रहे हो जिनके थ्रू दूसरे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि हम गूगल मैप पे रिव्यूज़ देते हैं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज जो दिन रात हर तरीके से पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देने के लिए कोशा हैं, जिनको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई की। पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ इस अमर की कि इन लोगों की भी हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए। कैमरा मैन इरफान बशीर के हमराह हफ्सा शकीनी, न्यूज़ कराची।